हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों को एक कि नेपाल और भूटान टाइप का जो आर्किटेक्ट टेंपल होता है उसी हिसाब से मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा इस वीडियो के अंदर। जैसे कि आप कोई भी टेंपल मोनेस्ट्री राइट वो कर सकते हैं इजीली, तो उसका पूरा प्रोसेस और ड्राइंग प्रोसेस और लाइट एंड शेडो एंड एवरीथिंग मैं शेयर करूंगा। थोड़ा सा नॉइजी है बैकग्राउंड में, वो तो काम चल रहा है घर पे, तो इसीलिए थोड़ा साउंड डिस्टर्ब हो सकता है, बाकी तो आपको देखने में पता चल जाएगा राइट। तो पहले हम लोग एक ना बेसिक मोनेस्ट्री का ड्राइंग कर लेंगे। जैसे कि टेंपल हम लोग जहाँ पे करते हैं वाराणसी के, वहाँ पे हम लोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक लाइन दे दिया, ठीक है। ये लाइन देने के बाद फिर यहाँ पे हम लोग टेंपल करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग मोनेस्ट्री करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक मोनेस्ट्री करेंगे। ये देखिए मोनेस्ट्री का जो टिपिकल ड्राइंग होता है वो आप देख लीजिएगा, द मोनेस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे एक मोनेस्ट्री, फिर ऐसा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक टेम्पल साइड में एकदम डार्क, यहाँ पे मोनेस्ट्री होगा, यहाँ पे थोड़ा डार्क हो, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ना चाहिए बिकॉज जो आई मूवमेंट है तो यहाँ पे डार्क में टच करके फिर लाइट में पास आउट हो जाएगा। दिस इज द प्रोसेस राइट। साइंस और एस्थेटिक्स मिक्स होकर वाटर कलर का एक्सपीरियंस क्रिएट होता है राइट। तो ये चीज़ है मैं करूँगा, और ये सेम वीडियो मैं ट्राई करूँगा। काफ़ी स्टूडेंट, काफ़ी यूज़र रिक्वेस्ट करते हैं कि आप दूसरे लैंग्वेज में अगर हम लोग कर सकते हैं इसी सेम वीडियो को, तो मैं ट्राई करूँगा और एक प्लेलिस्ट करके। सो मुझे तो एक ही दो मतलब बंगाली आता है, ये हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज आते हैं, बट मैं कोशिश करूँगा और लैंग्वेज में करने के लिए। सो लेट्स सी, ये वाला आप लोग देख लीजिए कैसे कैसे प्रोसेस में होता है। एंड यहाँ पे ये हो गया शॉप्स, छोटे 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 शॉप्स यहाँ पे कर सकते हैं, एंड स्मोक टाइप का हो गया। तो आइडिया बिल्ड करना है स्केच के अंदर, तब जाके आपको कैलकुलेशंस होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक डार्क, और यहाँ पे काफ़ी कैरेक्टर होगा, काफ़ी कैरेक्टर, छोटे 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 का काफी कैरेक्टर होगा, ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, एकदम इजी प्रोसेस है और बहुत ही क्विकली ये पेंटिंग हो जाएगा, परफेक्ट। दूर में भी आप एक इसी का एक छोटा वर्जन कर सकते हैं, एंड इसको ये हो गया, इसको ये जस्ट प्रोसेस, ये शेडो ही है, जो लाइन मैंने दिया है यहाँ पे शेडो होगा, ये रोड ही है, एंड फिर यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। देखिए इजी हो गया बैलेंस। यहाँ पे अगर आप इंडियन टेंपल करेंगे तो टेंपल कर सकते हैं, शेडो हो जाएगा, मोनेस्ट्री कर सकते हैं तो मोनेस्ट्री हो जाएगा राइट। अब हम लोग करेंगे कलर, ठीक है। कलर क्या करेंगे, कलर आप स्काई में कुछ भी कर देंगे तो मोनोटोनस, थोड़ा सा मोनो कलर करेंगे तो वो बेटर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा वाटर मिक्स करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वाटर मिक्स करेंगे। वाटर मिक्स करके क्या होगा कि आप यहाँ पे अगर मान लीजिए थोड़ा सा इवनिंग टाइप का कुछ देना चाहते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा एक कलर कॉम्बिनेशन दे सकते हैं राइट, ऐसा एक कलर कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, और इसके ऊपर ही कर देंगे। कोई ज़रूरत नहीं है कि वो छोड़ना है, जगह छोड़ना, ये छोड़ना है, तो कुछ भी नहीं है, ऊपर से एक येलो ही कर दीजिए, आप लोगों के लिए आसान रहेगा। ये लर्निंग पर्पस हो रहा है, ठीक है, उसी हिसाब से मैं दिखाऊंगा। फिर यहाँ पे
यहाँ पे मिक्स हो जाएगा, थोड़ा सा ये थोड़ा सा डार्क, ओके थोड़ा सा डार्क, ये पैलेट भी दिखाई दे रहा है आप लोगों को, सबको दिखाई दे रहा है, ये डार्क ले लीजिएगा और ऑरेंज थोड़ा सा मिक्स करके इसके साथ थोड़ा सा डार्क। ठीक है, ये देखिए आपको बेस कलर करना है, उसके बाद तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऐसा 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 ऑरेंज समथिंग ऐसा ऐसा कलर करते हो। ठीक है, ये हो गया। अब इस साइड में क्या होगा, आप यहाँ पे दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा कलर यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे वॉश करके थोड़ा बैलेंस आने के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ये जो डार्क है। ठीक है, हो गया। अब इसके ऊपर कुछ नहीं करना, इसको पूरा ड्राई होना है। ठीक है, अब ड्राई होने से पहले अगर आप लोग कहीं कुछ रेड वेड टच करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं, शॉप्स हो गया, ये हो गया, वॉट एवर, तो रेड थोड़ा सा दे दिया। अब इसको हम लोग छोड़ देंगे ड्राई होने तक, पूरा ड्राई होने के बाद फिर हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना है, अभी टच नहीं करना है, राइट, गुड, ओके। नाउ अभी पूरा ड्राई हो चुका है पेपर, राइट। अब हम लोग सेकेंड टोन स्टार्ट करेंगे, सेकेंड टोन के साथ साथ हम लोग थर्ड टोन भी थोड़ा बहुत कर लेंगे, उसके बाद धीरे 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 फिनिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि आप ब्राउन ले लो, बनसाना रेड थोड़ा सा, राइट, ब्लू थोड़ा सा डार्क कलर, ठीक है, थोड़ा मिक्स करके, तो डायरेक्ट ब्लैक देना नहीं चाहिए। ठीक है, ये कलर थोड़ा सा से डार्क कलर ले लेते हैं, डार्क कलर से हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डार्क, ठीक है, फिर इसके अंदर में डार्क, ठीक है, ऊपर में क्या करना है आपको, थोड़ा सा लाइट कलर से इसको स्प्रेड करना है। ठीक है, तो डार्क हो गया। अब थोड़ा सा रेड कलर, मतलब थोड़ा सा रेडिश टाइप का ऐसा हम लोग कर सकते हैं, रेड ऑरेंज वॉट एवर यहाँ पे, ओके फिर ये जो डार्क है इस डार्क को हम लोग नीचे में कर देंगे। ठीक है, ये ये जो मैं कर रहा हूं ये ड्राइंग के ऊपर कर रहा हूं, ड्राइंग सेंस तो होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब इस तरफ से क्या करना है आपको, ये ही कलर से थोड़ा सा, इधर में भी शॉप्स है, इधर में भी शॉप्स है, तो ये जो चीज है यहाँ पे थोड़ा आपको क्लेवरली शॉप्स जो भी है उसका ऊपर का जो पार्ट है उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अब यही कलर से जो
एकदम लाइट कलर से थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप तो मंदिर टेंपल मॉनेस्ट्री टाइप का दूर में है, इस टाइप का कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए पीछे में, ओके ये हो गया। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा डार्क डार्क कर दिया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना इसमें। अब ये रेड कलर, थोड़ा सा रेड कलर मिक्स करके आपको क्या करना है, ये जो डार्क कलर हो गया, यहाँ से आप इस यहाँ पे एक बिल्डिंग्स जो इस एरिया को कवर कर रहा है एंड टेम्पल वॉट एवर, ठीक है, उसको आप कवर कर लीजिए। ये देखो डार्क मिक्स कर, ये वो कलर लेके एक डार्क कलर का ही वेरिएशंस में क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। परफेक्ट, आपका करना है ये। तो ऊपर का जो शॉप्स का जो है वो है, इसको हम लोग इसको ढक देंगे थोड़ा सा ऐसे। कुछ कुछ जगह पे हम लोग अभी थोड़ा डार्क दे देंगे, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा डार्क हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे 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 लाइंस, ठीक है, थोड़ा सा एक लाइंस टचअप दे देंगे। फिर यहाँ पे एक डार्क इजी, ओके। अब तो इसको हम लोग ऐसा मिक्स कर देंगे थोड़ा। ओके, मिक्स हो गया नीचे से ऊपर तक, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा छोटा 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 जो अभी थर्ड टोन में थोड़ा 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 थोड़ा, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा ट्रीज टाइप का कुछ होता है ना, ट्री ठीक है। थोड़ा 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 शेडो, ठीक है, यहां तक करके छोड़ना है, ज्यादा नहीं करना है। अब यहां पे आप ये काम कर सकते हो कि यहां पे एक लाइन दे सकते हो, जैसे कि पतला सा एक लाइन यहां से भी दे सकते हो आप, ठीक है। ड्राइंग को डिफाइन करने के लिए परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे छोटे 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 यहाँ पे आप एक तरह से ऐसे लाइन दे सकते हो, कुछ तो है हैपनिंग, मार्केट है एंड समथिंग, राइट। कैरेक्टर फील भी होगा अगर यहाँ पे एक दो लाइंस ऐसे दे देंगे तो कैरेक्टर भी फील होगा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे कैरेक्टर करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा लाइट छोड़ा है, मतलब तो ज़्यादा डार्क नहीं किया है, यहाँ पे डार्क किया। तो इस क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है कि मुझे यह कैरेक्टर करूँगा डार्क से, तो यहाँ पे वो अच्छा लगेगा, हाईलाइटेड होगा, इसलिए छोड़ा है।
ये कॉमन सेंस वाटर कलर में अप्लाई करना होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक कैरेक्टर है, यहाँ पे एक कैरेक्टर, ठीक है, सब कैरेक्टर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स। छोटे 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 कैरेक्टर दूर में है, ठीक यहाँ पे भी कैरेक्टर है। करेक्टर ये बहुत सारा कैरेक्टर इसके अंदर में भी है मार्केट में। ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा, जैसे कि उधर से लाइट आ रही है राइट, तो थोड़ा सा इसका शेडो भी देना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो शेडो हो गया कि उधर से आ रहा है। अब क्या करना है कि थोड़ा सा डार्क इसके ऊपर, थोड़ा सा डार्क ऐसे, तो छोटे 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 डार्क अब दे सकते हो। राइट, ओके, गुड। अब दो तीन लाइंस देना है और उसके बाद हम लोग फाइनल टचअप करेंगे। क्या करना है, इसी इसी डार्क कलर से हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे एक यहाँ पे एक लाइन, ये लाइन है, ठीक है, फिर यहाँ से एक लाइन गया है। ठीक है, फिर यहाँ से कुछ लाइंस उस तरफ गया है, फिर यहाँ से एक तो लाइन, ये पोस्ट एंड हैपनिंग होता है ना सिटी के अंदर, टेंपल मोनेस्ट्री के अंदर, जो काफ़ी सारा, काफ़ी सालों के बाद ये कंडीशंस होता है राइट। तो ये हो, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेश टेंपल है वहाँ पे आपको इतना हैपनिंग दिखेगा नहीं। ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे एक लाइन, ये लाइन, अब यहाँ पे आप कुछ बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स होते हैं ये सब जगह पे, ठीक है, परफेक्ट। अब क्या करना है, थोड़ा सा रेड कहीं अगर लगता है कि
देना चाहिए, तो ये रेट दे दीजिए, बस हो जाएगा। आप एक आध दो लाइन आपको, जैसे कि मान लो यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ऐसा जो रोड कंस्ट्रक्शंस है, प्लेटफॉर्म है, उसको फील करने के लिए ये एक आध दो लाइन देंगे, तभी जाके वो फील होगा। ठीक है, अब यहां से अगर कुछ ऐसे शेडो आप दे सकते हो, इधर से एक शेडो हो सकता है, राइट, ऐसा 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 शेडो हो सकता है, उस तरफ से शेडो आ रहा है। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, यहां तक भी आप लोग कर लिए तो आपको वाटर कलर पता चल जाएगा कि क्या क्वालिटी है वाटर कलर का। उसके बाद थोड़ा सा स्प्रे, अगर स्प्रे मीन्स थोड़ा सा छीटा दे देंगे ना ब्रश से, ये देखिए, तो थोड़ा सा फील होगा। अब यहाँ पे अगर तो स्मोक करना है थोड़ा सा, ठीक है, तो उसमें क्या है ना, आप लोग डायरेक्ट एक्रेलिक से ही टचअप कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ऐसे 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 स्मोक, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, से फॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हैपन। ठीक है, ये करने के बाद आप अगर थोड़ा सा टच कर सकते हैं तो, नहीं तो नहीं भी चलेगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा वाइट से यहाँ पे थोड़ा सा टच, एक दो लाइन, ऐसे 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 एक लाइन, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, यहाँ तक भी आप अगर करें तो काफ़ी बेटर रिजल्ट होगा। ठीक है, आप अगर कुछ पूछना है आप लोगों से, आप कमेंट्स करिए, आप मेरा इंस्टा में आके चैट करिए, मैं आपको आंसर दूंगा। और अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं मुझे, और फ्री क्लास मेरा सैटरडे नाइट में फ्री क्लास होता है, तो आप फ्री क्लास ज्वाइन भी कर सकते हैं, या आपका मर्जी है आप क्या है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अपने ये लर्निंग लिए हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।